न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। चमोली से पहली खबर सामने आ रही है। दरअसल चमोली में गांव के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। लोकतंत्र में जब सरकारें जनता की मांगों को पूरा नहीं करती तो जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए या तो सड़कों पर सत्ता के खिलाफ होकर प्रदर्शन करती है या फिर चुनावों में मतदान का एकमात्र सहारा रह जाता है। पहाड़ों में इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सड़क की मांग को लेकर पारतोली गांव के लोगों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। कहा कि सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को 2 किलोमीटर पैदल नापना पड़ रहा है, जिससे पूरे गांव वाले आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सड़क न होने से हमारे लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक कि जो आधी सड़क बनी है उससे हमारे जो पैदल मार्ग थे वो भी ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे हम लोगों को आने जाने में विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए हमारी जो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जो रोड जा रही है वो ऊपर होते हुए उमासहन के लिए जो जा रही है उसी से 2 किलोमीटर हमारे लिए सड़क की सुविधा दी जाए, ताकि हम लोगों के जो पैदल मार्ग हैं वो तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुके हैं और हम लोगों के लिए आने जाने की बहुत बड़ी विकट समस्याएं हो रही हैं। जहां एक और पहाड़ों पर रेल चढ़ाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पहाड़ों में आज भी ऐसा गांव है जो सड़क सुविधाओं से महरूम है। ऐसे एक गांव जनपद पौड़ी के मंडल मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में आता है, जो कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर भी आज तक सड़क सुविधा से वंचित है। नगर पालिका पौड़ी से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बना नगणी जुगणी गांव स्थानीय आजादी के बाद से आज तक सड़क सुविधा से वंचित है। वर्तमान समस्या में इस गांव में 15,000 से तक लोग रहते हैं, 15,000 से 17,000 तक, और ग्रामीणों का कहना है कि कहीं बाहर जनप्रतिनिधियों से सड़क के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर साल चुनावी वादों में नगणी जुगणी को सड़क से जोड़ने की बात जनप्रतिनिधि करते आए हैं, लेकिन आज देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। नगर पालिका का ये गांव आज भी हुक्मरानों से सड़क की आस लगाए हुए है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव का बहिष्कार का मन बना लिया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि जब तक गांव को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उनके गांव के सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि सड़क सुविधा न होने से गांव में पढ़ने वाले बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, साथ ही जंगली जानवरों का खतरा भी हमेशा उनके मन में बना रहता है। हमें तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज यहाँ सड़क सुविधा नहीं है। हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें डंडियों के सहारे हमें अस्पताल पहुँचना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ गुलदार का भी डर लगा रहता है, और छोटे बच्चे स्कूल 3-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानियां होती है। कभी बारिश हो जाती है, फिर रास्ता भी हमारे यहाँ ढंग का नहीं है। नगर पालिका में होने के बजाय भी यहाँ अभी सड़क से हमारा गांव वंचित है सड़क से। चमोली के ऐतिहासिक मेला मैदान गोचर में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में दूर दराज से भारी संख्या में शिरकत करने पहुंची महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिलाओं को उनके स्थानीय गाँव और कस्बों से गोचर तक लाने के लिए प्रशासन ने बसों और टैक्सियों का भी इंतजाम किया हुआ था। सभी महिलाओं को गोचर को प्रस्थान करते समय नाश्ते के पैकेट भी दिए गए। नारायणबगड़ प्रखंड से खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं नंदा गौरा महोत्सव गोचर के लिए रवाना हुई, जिनमें अधिकांश महिलाएं महिला समूह के सदस्य हैं। हमने महिलाओं से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो सभी बड़ी आशाओं के साथ कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, और कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आने से महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी घोषणा की उम्मीद है। तो महिलाओं की मुजबानी ये थी कि महिलाएं यहाँ पर बेहद खुश थी, और साथ ही साथ उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बड़ी घोषणाएं सुनने के लिए मिलेंगी, और कुछ ऐसा ही नजर आया। ग्रामीण से आ रखे हैं, हम आज गोचर जा रहे हैं और वहाँ श्री पुष्कर धामी जी वहाँ पर आ रहे हैं और सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। गांव की महिलाएं सब मतलब समूह कार्यकर्ता है, वो सभी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। मातृशक्ति सम्मेलन और ये बहुत अच्छे शिविर भी है गौचर में। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और सभी लोग बड़े उत्साह से जा रहे हैं। हमारे विकास खंड से भी 128 गाड़ियां जा रही है, जिसमें विभिन्न ग्रामों से महिलाएं आ रही हैं, जो हमारे NRLM समूह वाली हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम प्रधान लोग भी हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं की पूरी व्यवस्था में लंच की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार की कोशिशों से 6-7 सालों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित और समाप्त हो चुका है।
इसके उन्मूलन की बस घोषणा बाकी है। इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण देश और दुनिया का एक सफलता मॉडल है। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाकर तैयार किए गए सफलता मॉडल का केंद्र गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। वही गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो समाज स्वतः सशक्त होता है। जिस समाज में महिला सशक्त होती है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साल 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तो हमें एक विकसित भारत मिलेगा जिसमें देश की आधी आबादी अपना विकास करेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रत्येक स्तर पर प्रयास करेगी ताकि उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य सुनिश्चित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया और 54,25,00,000 रुपए का अंशकालिक ऋण भी वितरित किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को विकसित करके ही सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। उन्नाव में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा को नकल विहीन शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए जिले में सभी बंदोबस्त पूरे कर लिए गए हैं। वहीं कोई चूक ना हो इसको लेकर सीसीटीवी, पुलिस बल, 8 सेक्टर, 24 स्टैटिक अफसरों की निगरानी तय हो चुकी है। किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल के अलावा अन्य डिजिटल उपकरणों को निष्क्रिय रखने के लिए जैमर सक्रिय किए जाएंगे। पुलिस भर्ती की परीक्षाएं 2 दिन होंगी। परीक्षा के लिए डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा भी बैठक कर प्रशासन और पुलिस अधिकारी को निर्देश दे चुके हैं। वहीं कुछ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे। डीएम के निर्देश पर उनको सही करवाने का काम 2 दिन में पूरा किया जाने का शुरू हो जाएगा। परीक्षा के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 2 दिन तक होने वाली परीक्षा में कुल 42,336 परीक्षार्थियों पर सीसीटीवी, पुलिस बल और सेक्टर स्टैटिक अफसरों की निगरानी रहेगी। इसके अलावा 9 में 17 और 18 फरवरी को जिले के 24 केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचेंगे, जिसमें पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें पहली पाली में सुबह 10 से 12 और दूसरी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक की जाएगी। देखिए, हमारे टोटल उन्नाव में 24 सेंटर बनाए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे। सभी प्रकार के स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस की ड्यूटियां, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, सब जगह लगाई जा चुकी हैं और जो परीक्षा है उसको बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, बहुत ही पारदर्शी तरीके। पीलीभीत में लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा के आगे ताल ठोकने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को चंदौली से यूपी में प्रवेश कर रही है। इसको लेकर भाजपा के अमृतकाल पर वार करते हुए 10 साल अन्याय काल पुस्तक के माध्यम से बीजेपी सरकार की योजनाओं में खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की बात कही गई है। साथ ही दूसरे दलों से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि कोई भी भ्रष्टाचारी या बलात्कारियों को शामिल कर लो बस वो पवित्र हो जाता है। जो ऐतिहासिक पल ये है कि 16 तारीख को कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी लेके यूपी के अंदर चंदौली में प्रवेश कर रहे हैं और उस यात्रा का क्या महत्व है, इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसी के साथ 10 साल अन्याय काल का भी हमें आपको बताना है, जो जी अमृतकाल लेके चल रहे हैं उसमें अन्याय कैसे है, जिसके इस यात्रा का उसको लेकर क्या महत्व है। खबर नाव से, जहां मोरावा थाना क्षेत्र के मोदिनपुर का सरफा कारोबारी बीते बुधवार की देर शाम दुकान को बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान कार सवार 3 बदमाशों ने उसे रोकने के बाद तमंचे के बट मारकर घायल कर दिया। साथ ही सोने चांदी के जेवरात लूटकर भाग निकले। सरफा कारोबारी का लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुवार को आईजी रेंज लखनऊ एसपी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना के सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया। पुलिस का दावा है कि जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। एक सराफा की दुकान करने वाले हैं मोरावा थाना क्षेत्र में। कल शाम को इनके साथ लूट की घटना हुई है। ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो कुछ अभियुक्तों ने इनका ज्वेलरी से भरा हुआ बैग छीन लिया और तमंचे से इन पे वार किया। तो इस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मुकदमा कायम किया गया है और लगभग 5 टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न पहलुओं पर छानबीन कर रही है और जल्द ही हम इसमें सम्मिलित होने वाले अभियुक्तों तक पहुंच जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, कितने की लूट है करीब? FIR में अभी वादी ने इसका जिक्र नहीं किया है। इतना बताया गया है कि बैग में चांदी और सोने दोनों की ज्वेलरी थी जो कि छीन ली गई है। तो हम इस संबंध में विधिक कार्रवाई पूर्ण कर रहे हैं और जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया?
जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उसमें विभिन्न पहलू जिन पे हम कार्रवाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द अभियुक्तों तक पहुंच सकते हैं उन पहलुओं पे कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। उन्नाव में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने फोन पर तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि उसका पति उससे घर से पैसे लाने की मांग कर रहा था, जिसको लेकर महिला घर आ गई थी, जिसके बाद पति ने उसे फोन पर 3 बार तलाक बोलकर फोन काट दिया। पीड़ित महिला ने बांगरमऊ पुलिस से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि महिला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामला आया हुआ है, इस संबंध में थाना बांगरमऊ में मुकदमा लिखा हुआ है। दहेज पीड़न और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत और इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना के उपरांत जो भी साक्ष्य मिलेंगे साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एयरफोन लगाकर पटरी पर चल रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के डबल फाटक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। दयाशंकर सिंह ने कहा कि बड़े बड़े दल एनडीए में शामिल होने के लिए राह तक रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने बसपा कांग्रेस और तमाम दलों से गठबंधन किया, लेकिन वो मोदी लहर को नहीं रोक पाए। इस बार तो मोदी नाम की सुनामी है। सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जनपद बाराबंकी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान रॉयल रियल्टी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाराबंकी का महत्व अयोध्या के चलते बहुत ज्यादा हो जाता है और यूपी सरकार की पारदर्शी नीतियों के चलते व्यापारियों के तमाम अवसर सुलभ किए जाते हैं, जिसके चलते तमाम बड़े उद्यमियों को कोई समस्या नहीं हो रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिले में बना ये सबसे अच्छा होटल है। बाराबंकी अछूता नहीं है और अयोध्या के भी विकास से भी अछूता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हिस्से हैं विकास के वो बाराबंकी में भी अयोध्या के आते हैं और लखनऊ के भी बहुत विकास क्षेत्र जो है बाराबंकी को भी क्रॉस कर गया है। भाजपा के गांव चलो अभियान बूथ रात्रि प्रवास और सहभोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक बहारानी पक्षालिका सिंह भदावर पहुंचे। रात्रि प्रवास कार्यक्रम के तहत विधायक ने इकट्ठा होकर ग्रामीणों को केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी दी। सबका साथ सबका विकास के तहत हो रहा कार्य, योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपील की गई है। कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को संबोधित किया। नमो और सरल ऐप को डाउनलोड कराया है। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला बरी में कार्यक्रम का भी पूरा मामला है। हर एक को पानी की सुविधा हो, जैसे आपको शहर में पानी मिलता है आपके घर तक पहुंचते हैं नल द्वारा, वैसे ही गांव में हर घर तक पानी। सबसे अच्छा जो हमको लगा है वो स्वास्थ्य के लिए जो आयुष्मान कार्ड बना है, ये बहुत बड़ा लाभ। मैं सोचती हूँ 5 लाख तक एक गरीब परिवार को कोई बीमार हो जाए अचानक आपको लाभ मिल सके, आपको भटकना नहीं पड़े, आपको जेवर बेचना नहीं पड़े, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ये कार्ड है जिससे आप अपना असलों के दम पर 2.5 लाख की लूट हुई है। लैपटॉप और मोबाइल भी लूट कर बदमाश फरार हो गए। सिटी मॉल के 2 एग्जीक्यूटिव के साथ लूट हुई है। दोनों की मोटरसाइकिल और एक्टिवा भी ले गए। जाम लगता था एक वाहन को छोड़कर बदमाश फरार हो गए। 4 बदमाशों ने असलहा के दम पर वारदात को अंजाम दिया। सिटी मॉल के पास ये लूटकांड हुआ। कैश जमा करने सिटी मॉल जा रहे थे दोनों एग्जीक्यूटिव, भागते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुणकता का ये पूरा मामला है। झांसी में सत्ता के संरक्षण में चल रहे अवैध हुक्का बार और प्राइवेट कैबिन, सूत्रों की माने तो झांसी पुलिस भी कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन थानों में तैनात कुछ लोग और कैफे संचालकों के बीच एक सिंडिकेट और बैट छुपा हुआ है। नेताओं के दबाव में कार्रवाई के नाम पर बस फॉर्मेलिटी होती है। कुछ दिन पहले ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें भी नजर आ रही है, जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत की वजह से इस तरह के कैफे और होटल संचालित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कुछ ऐसे भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पीछे रहकर इस पूरे खेल को देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस कहाँ पर है? अवैध तरीके से हुक्का बार चल रहे हैं, अवैध तरीके से होटल चल रहे हैं, प्राइवेट कैबिन चल रहे हैं, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में क्षेत्राधिकार नवाबगंज द्वारा रविंद्र कुमार हरीश शंकर ग्राम समूहा थाना नवाबगंज जो कि देश के गृहमंत्री अमित शाह के फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल और ट्रू कॉलर लगाकर नवाबगंज आसपास के भाजपा नेताओं समर्थकों के संपर्क में आकर बीजेपी से टिकट दिलवाने की बात कहकर मोटी रकम ऐंठने की फिराक में था। नवाबगंज पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर रविंद्र कुमार को मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इसका साथी साहिल खान पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। कासगंज में निर्माणाधीन पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों के मुताबिक बुधवार शाम से लापता थे मृतक हनीफ। मृतक का मोबाइल भी बंद था। शव के पास में बाइक मिली है। परिजनों ने काफी तलाश की। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव नदरई हजारा नहर के पास का ये पूरा मामला। बलरामपुर चीनी मिल गेट पर श्रमिक संघों ने चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों ने कार्य पर जाने से इनकार कर दिया। मजदूरों के साथ धरने पर बैठे मजदूर नेता सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेज और अन्य मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर है। एटेक इनटेक बीएमएस और सीटू सहित विभिन्न संगठनों का ये आंदोलन चल रहा है। समर्थक पहुंच रहे हैं। मजदूरों के समर्थन में किसान संगठन भी सामने आ गया। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के पसीने छूट गए जिसके चलते गन्ना सीजन के बीच मजदूरों और किसानों के हड़ताल और धरने से परेशान हो गया जिला प्रशासन। चीनी मिल जिले में 3 चीनी मिल संचालित होती हैं। झांसी के साजापुर थाना क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई जहां पर एक महिला की खेत पर गला घोट कर हत्या कर दी गई। परिजन रेप की आशंका जता रहे हैं। महिला का शव खेत के अंदर पड़ा मिला। पूरे कपड़े उसके अस्त व्यस्त थे। वहीं महिला के गले से उसके सोने के जो चेन थी वो भी गायब बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कासगंज जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया जहां कासगंज जिले को कोतवाली सौर क्षेत्र के एबनपुर गांव में खेत पर फसल में पानी लगाने को लेकर विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई और भतीजे को गोली मार दी जिससे भतीजे के सीने पर गोली लगने से मौत हो गई जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। घायल को जिला अस्पताल के बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक सोरों को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव अमलपुर में वीरेश नाम के एक व्यक्ति ने अपने खेतों पर ट्रैक्टर ले जाने को लेकर पारस्परिक जो विवाद है इस विवाद के चलते अपने ही भाई अवधेश और भतीजे राघवेंद्र को अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सोरों साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस घटना में राघवेंद्र की मृत्यु हो चुकी है एवं घायल अवधेश को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया जहां वह इलाजरत है। ललितपुर के ग्राम धोरो रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव न होने की वजह से वहां के लोगों में आक्रोश है। सैकड़ों छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। करवा रेल विभाग के अधिकारियों को प्रमाण पत्र भी दे चुके हैं, शिकायती पत्र भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हजारों पत्र उन पात्रों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। थारो रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द ट्रेन ठहराव की मांग हो रही है। उनका कहना है कि ललितपुर रेलवे स्टेशन और बीना रेलवे स्टेशन के बीच पड़ने वाला धारो रेलवे स्टेशन इस समय चर्चाओं में है क्योंकि वहां के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल से पहले धारो रेलवे स्टेशन पर झांसी इटारसी पैसेंजर, साबरमती एक्सप्रेस, झांसी बीना शटल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन होता था। इन ट्रेनों के द्वारा रेलवे स्टेशन के आसपास बने लगभग 50 गांव के यात्री अपना सफर करते थे तो वहीं लगभग 500 छात्र छात्राएं प्रतिदिन ललितपुर और अन्य शहरों के लिए अपनी पढ़ाई करने के लिए आते जाते थे। वहीं ट्रेनों की ठहराव न होने की वजह से अब इन सभी छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। सूत्रों की माने तो आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट न डालने का भी निर्णय ग्रामवासियों ने ले लिया है। रायबरेली में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में दो दुकानों में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया। मामला उजार थाना क्षेत्र के अंतर मदारी गंज मोड़ के पास का है जहां देर रात बैग इलेक्ट्रॉनिक्स की दो दुकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां से गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली में आधारशिला कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज और राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मिशन शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व विधायक विधानसभा उत्तर प्रदेश के सुरेंद्र बहादुर सिंह का नागरिक अभिनंदन समाज सेवा के क्षेत्र में
अग्रणी भूमिका निभाने के लिए किया गया और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था पंचवटी के पदाधिकारी का सम्मान भी किया गया। शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे अग्रणी व्यक्तियों में डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर विनय भदौरिया, सतीश कुमार सिंह, हरनाम सिंह समेत नवोदय विद्यालय के लगभग 3 दशक तक प्राचार्य रहे कन्हैया लाल जी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में आईएएस अधिकारी रहे गोवा सरकार के विशेष सचिव कृष्ण शरण सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अवनेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आधारशिला कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज के अध्यक्ष डॉक्टर तहसीलदार सिंह ने स्वागत भाषण और राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कार्यक्रम में स्वागत की भूमिका निभाई और कॉलेज के ओएसडी गिरजा शंकर सिंह, अपर श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष रायबरेली अशोक कुमार सिंह, जिला प्रभारी रायबरेली सौरभ त्रिवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अनीश समेत संस्था के कई पदाधिकारी सदस्य मौजूद नजर आए। देश में जाने जाने वाले और जनमत के महान हस्तियों के जिसे सबसे पहले पूर्व विधायक जिनको हम लोग प्यार से राजर्षि कहते हैं, श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह, साहित्यकारों में डॉक्टर ओम प्रकाश जी, पर्यावरण में डॉक्टर एम डी सिंह, साहित्य क्षेत्र में पर्यावरण में विद्युत विभाग में तैनात संविदा कर्मी की लापरवाही प्राइवेट कर्मचारियों को भारी पड़ गई। ट्यूबवेल सही करने संविदा कर्मचारी ने स्वयं की जगह प्राइवेट कर्मी भेज दिया। कार्य करते समय अकस्मात बिजली सप्लाई चालू होने से हादसा हो गया। प्राइवेट कर्मी को गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। क्या घटना हुई थी सर? घटना ये हुई थी कि हम अशोक के जरिए हम शटडाउन लेते हैं। अशोक हमारे गांव चंदपुरवा बुजुर्ग का मतलब लाइन मैन है और वो निवासी है मवई का निवासी है, अशोक प्रजापति है। हमने आज 3 लोग थे, मैं था और प्रमोद था और संजय था। हम तीनों लोग खेतों पर 11,000 KV में, इन्होंने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर काम करना है। झगड़े में दबंग ने अवैध असलाह से फायर कर दिया। ताज नगरी में अवैध हथियारों का प्रदर्शन नहीं रुक रहा है। दबंग की खुलेआम दबंग गई दिख रही है, पुलिस का खौफ इनमें नजर नहीं आ रहा है। दबंग द्वारा फायर करने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। थाना कागरौल क्षेत्र के गांव लोरिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से शख्स यहाँ आता है और फिर यहाँ पर फायर कर देता है आसानी से। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गौंडा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली ट्रैक्टर से टकरा गई। कोटवा धाम मेले में दर्शनार्थी जा रहे थे, गन्ना नदी ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 10 घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर है। बहराइच से कोटवा धाम जा रहे थे यात्री। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के जहांगीर गिरवा क्रॉसिंग के पास ये हादसा हो गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।